प्लीज जल्दी चलिए, उसे बचा लीजिए। आई नो आप अभी बहुत अलग मूड में हैं, आपको अपनी बहन की बहुत चिंता है, पर प्लीज थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए कि आपकी कोई बहन है। इस वक्त आप सिर्फ एक डॉक्टर है और एक पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। मेरे अभी की सर्जरी कीजिए और उसे बचा लीजिए प्लीज। अक्षरा, मैं आपकी सिचुएशन बिल्कुल समझता हूँ। मेरी भी यही सिचुएशन थी जब मैंने माया को आईसीयू में देखा था। वहाँ डॉक्टर से मैं यही रिक्वेस्ट करते गया कि कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। कोई भी होता तो यही करता डॉक्टर। थैंक गॉड आप समझते हैं। अब आप चलिए, अभी के आगे की लाइफ उसके हाथ पे डिपेंड करती है और मेरी बहन की म्यूजिक पे। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपने अभी के हाथ के लिए। देखिए अक्षरा, मैं नहीं जानता कि मैं गलत कहने वाला हूँ या सही कहने वाला हूँ, पर आप ही की तरह जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए कहने वाला हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कोई बात किसी से भी कहूंगा। मतलब मैंने कहा था ना, इंसान जो होता है वो भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते, पर इंसान जो होते हैं वो जरूरत पड़ने पर सेल्फिश हो जाते हैं। तो मैं इंसान हूं अक्षर। देखिए डॉक्टर कुणाल, आप मुझे डरा रहे हैं, प्लीज सीधे सीधे कहिए ना आपको क्या कहना है। तो सुनिए मिसेस अक्षरा अभिमन्यु बिरला, मैं आपके हस्बैंड की सर्जरी करूंगा, पर एक शर्त है मेरी। तुम जब भी ओटी के बाहर आओगे ना, तुम्हें भी यही खड़ी मिलूंगी, आई प्रॉमिस। कैसी शर्त? आपको अपनी जिंदगी में से थोड़ा वक्त देना होगा। मेरी बहन माया को नई जिंदगी देने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए। मैं समझ नहीं पा रही, भारियू आप कहना क्या चाहते हैं? आपको अपनी आवाज मेरी बहन को देनी होगी। उसके लिए गाना गाना होगा, आवाज आपकी होगी, चेहरा उसका होगा, कोच सिंह। आपको अपनी जिंदगी उसके नाम करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर कुणाल? देखिए मैं जिंदगी भर के लिए आपका वक्त नहीं मांग रहा हूं, और ये वक्त कैसे निकल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, बस थोड़े वक्त की बात है। ठीक है, मैं आपकी बहन के लिए गाऊंगी, बस एक बार अभी की सर्जरी हो जाए, वो ठीक हो जाए, घर आ जाए, फिर मैं उसे बताऊंगी। नहीं, आप उसे नहीं बता सकती, आप किसी को नहीं बता सकती। क्यों? बिना किसी को बताए ये करना होगा आपको। ये आप क्या कह रहे डॉक्टर कुणाल? आप अभी मैं देखिए अक्षर, आप ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, सर्जरी के बाद तुरंत यहाँ से निकलना होगा आपको मेरे साथ, और बिना किसी को बताए। जल्दी से हाँ कीजिए अक्षरा, एक एक पल कीमती है। वन डॉक्टर बिरला पे एनेस्थेशिया का असर होते जा रहा है और ये सर्जरी जल्दी करनी होगी, आप ये बात समझ रही है ना? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझसे कहा था, जब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं अपने अभी के लिए। Then just do it. आप डॉक्टर बिरला से प्यार करती है ना, तो उनके लिए कीजिए जैसे मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। दावा करने वाले लोग बहुत हैं, पर जब प्रूव करने की बात होती है ना, तो मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। प्रूव इट दैट यू लव योर हस्बैंड। आप अपने पति से उतना ही प्यार करती जितना वो करते हैं आपसे। डॉक्टर बिरला को आपकी आवाज़ से इतना प्यार है कि ये बात मैं उनसे नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरी शर्त कभी नहीं मानते। ये आपको करना होगा डॉक्टर बिरला के लिए और मेरी बहन के लिए। अगर आप डॉक्टर ना होते और मैं डॉक्टर की बीवी ना होती ना, तो आपका गाल होता और मेरा हार्ट डॉक्टर कुणाल। मुझे बहुत इज्जत है इस प्रोफेशन की, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है डॉक्टर्स को और उनके डेडिकेशन को। आपके नाम के आगे जो टिकली लगी है ना,
उसने बचा लिया आपको, वरना इतनी घटिया बात बोलने के बाद मैं और मेरी फैमिली आपका क्या हाल कर देना। आपको कोई आइडिया नहीं, आप और आपकी बहन के लिए मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगा था, पर आप डॉक्टर कुनाल, आप शायद ये डिजर्व ही करते हैं। आपकी इस घटिया सोच के वजह से मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अब आप जाइए अपना काम कीजिए जिसे एक इज्जतदार ईमानदार डॉक्टर का करना चाहिए। सुना आपने डॉक्टर कुनाल, जाइए जाइए जाइए। अभी ज्यादा हिचके आए ना तो नींबू पे नमक लगा के खा लेना और फिर पानी पी ले। मैं तुम्हें हफ्ते की ये दूसरी चिट्ठी लिख रही हूं, पर याद तो तुम्हें हर सांस में दो बार करती हूं। तो हिचकियां तो तुम चाहते थे ना मैं बहुत फेमस सिंगर बनूं, तो फेमस तो मैं बनने वाली हूं, पर उसकी एक बहुत बड़ी शर्त है। जो मुझे निभानी पड़ेगी। तुम्हारे लिए मैं हर शर्त निभाने को रेडी हूं, क्योंकि प्यार से बढ़कर तो कोई शर्त ही नहीं होती ना। अभी आई नो तुम्हें मेरी सेंटी बकवास में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तुम्हें तो ये जानना होगा कि मैं कैसी हूं, कहां हूं, ठीक हूं अभी, तुमसे दूर जितनी ठीक हो सकती हूं। खाना टाइम पे खा लेती हूं, पर खाने में टेस्ट तो तभी आता था जब मेरे डॉगमैन मुझे खिलाते थे। अक्षु कितनी बार बोला है खाने पे मेरा वेट मत किया करो, टाइम से खा लिया करो। ब्रोकली तुम्हें मुझ पे रिसर्च करनी चाहिए। अभी मेडिकल मिरेकल हूं मैं, आज पूरा एक साल हो गया और मैं बिना दिल के जिंदा हूं, क्योंकि दिल तो मैं तुम्हारे पास ही छुड़ाई थी। तुम्हें पता है एक बार मैं ट्रैक पे गई थी, रात को जब ट्रैक कर रहे थे ना तो लग रहा था कि सुबह कभी होगी ही नहीं। थकी हारी भूखी प्यासी जब मैं हिलटॉप पे पहुंची तो रेनबो निकला हुआ था और सनराइज हो रहा था। उससे सुंदर सुबह मैंने आज तक नहीं देखी। आई प्रॉमिस यू, अभी हमारी लव स्टोरी की ये रात जितनी मुश्किल लग रही है, जब सुबह होगी तो वो हमारी लाइफ की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। आई नो आज हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं, वो मेरे डिसीजन का नतीजा है, पर नतीजे से बड़ी नियत होती है और मेरी नियत में हमेशा तुम थी, तुम हो और तुम रहोगे। आई मिस यू अभी। हैप्पी गुड बाय एनिवर्सरी अभी।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।